जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। डेली जो पॉलिटी की क्लास चल रही है उसमें हम पार्लियामेंट को डिस्कस कर रहे हैं, और कल जो हमने क्लास की थी उसमें अनुसूची जो 10 है, दल बदल विरोधी कानून है, उस पर हमने डिस्कशन किया था। और ये भी डिस्कस किया था कि जो संसद है हमारी उसमें सीटों की रिक्तता कैसे हो सकती है, यानी कि कोई सांसद की सीटें कैसे जा सकती हैं, या फिर कोई पद खाली किन किन स्थितियों में हो सकता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पीठासीन अधिकारी की बात करेंगे, जो संसद के हमारे पीठासीन अधिकारी हैं उनकी बात करेंगे मुख्यतः। पीठासीन अधिकारी मतलब ऑन द चेयर, यानी कि जो कोई अध्यक्ष होगा या सभापति होगा, जो सदन की अध्यक्षता कर रहा होगा या सदन का संचालन कर रहा होगा, उसको नियंत्रित कर रहा होगा, तो उसे हम पीठासीन बोलते हैं। ठीक है, ऑन द चेयर। अगर पीठासीन की बात करें तो क्या होता है इसका मतलब, ऑन द चेयर, जो चेयर पर, एक चेयर पर बैठा हुआ है, जो एक मेन पॉइंट पर बैठा हुआ है, ऊंचाइयों पर बैठा हुआ है एक, और वहाँ से वो सभी को नियंत्रित कर रहा है, सबको एक टाइम अलॉट कर रहा है कि भाई तुम इतने समय बोल सकते हो, तुम इतने समय बोल सकते हो। तो आज हम बात करेंगे इसी चीज़ की, जो पीठासीन अधिकारी हैं संसद के उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसीलिए इसको अलग ही एक अलग वीडियो में सेपरेट मैंने रखा है, और इससे क्वेश्चंस हमारे क्रिएट होते हैं। इसके बाद दो वीडियोस और आएंगी हमारी पार्लियामेंट को लेकर, जिसमें हम संसद के सत्र की बात करेंगे, सेशंस जो होते हैं, जो बजट सत्र है, और जो संसद के जो कार्य होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, एक जो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन आज जो हम बात करेंगे पीठासीन अधिकारी को लेकर बात करेंगे। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, तो जो पीठासीन अधिकारी है उस पर हम बात करें, इससे पहले कुछ डाउट्स ले लेते हैं। जैसे कि एक डाउट रानी भाटी जी का है, उन्होंने उनको इस बात को लेकर कंफ्यूजन हो गया है थोड़ा, जैसे कि मैंने उनके डाउट्स देखे। और मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि 9 बजे, ठीक 9 बजे जो है आपकी क्लास शुरू हो जाती है, प्रीमियर रहता है, लाइव चैट हम लोग कर सकते हैं, लाइव तो हम बात नहीं कर सकते इस तरीके से जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आपको यही आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी वो स्थिति या कहा जा सकता है वो एक जो पॉलिसी होती है यूट्यूब की, उसको हमने अभी कवर नहीं किया है, वहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे हैं। तो वो कैसे पहुँचेंगे, जब आप लोग सब्सक्रिप्शन ऑफ नंबर बढ़ाएंगे, व्यूज ऑफ नंबर बढ़ाएंगे तब। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे पास एक टूल है वो क्या है, प्रीमियर लगाने का, हम प्रीमियम लगा देते हैं और लाइव चैट कर सकते हैं। तो जिसका भी डाउट हुआ करे वो ठीक 9 बजे क्लास देखे और अपने डाउट उस लाइव चैट के थ्रू हमारे सामने रखे, और उस समय मैं खुद देख रहा होता हूँ, और सभी के जो भी चैट्स उस समय जो भी डाउट्स आएंगे उनको मैं आंसर वहीं तभी हाथों हाथ आपको जो है कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन ऐसे जो है फिर लेट हो जाता है, थोड़ा सा समय चला जाता है। चलिए, उनका रानी जी का जो डाउट है वो कुछ डाउट ये था कि एक तो हमने पढ़ा है कि भाई लोकसभा जो है, लोकसभा आर्टिकल 81 में है, ठीक है। और मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर ही पूछा है कि लोकसभा में, जैसे मैंने क्वेश्चन कल के वीडियो में पढ़ाते हुए आप लोगों से पूछ लिया था कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन है ना, एंग्लो भारतीय हैं, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा, जो एंग्लो भारतीय हैं वो एंग्लो भारतीय, मैंने पूछा था कि उनको, एंग्लो भारतीय को लोकसभा में मनोनीत करने के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है ना, किस अनुच्छेद में ऐसा बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है एंग्लो भारतीयों को, एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मनोनीत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ऐसा डाउट अगर किसी को हो, तो यहाँ पर अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा को बताया गया है, लोकसभा के गठन को बताया गया है, उसकी संरचना को बताया गया है, उसका निर्माण कैसे होगा, उसकी शक्तियाँ वगैरह क्या है, उन चीज़ों को बारे में इसमें समझाया गया है, 81 में बताया गया है। इसी तरीके से राज्यसभा है, तो राज्यसभा में क्या बताया, किस में बताया गया है, 80 में बताया गया है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो लोकसभा है उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एंग्लो भारतीय को मनोनीत करना, ये अलग कंसेप्ट हो जाता है, ये लोकसभा से अलग, ये लोकसभा 81 में क्या है, लोकसभा के बारे में बताया गया है, लेकिन लोकसभा में एंग्लो भारतीयों को मनोनीत किया जाएगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो अनुच्छेद किस में है, 331 में है। वो अनुच्छेद 331 में क्या बताया गया, ये बताया गया कि लोकसभा में एंग्लो भारतीयों को मनोनीत किया जाएगा, ये बात बताई गई है, ना कि ये बात बताई गई है कि लोकसभा अनुच्छेद 331 में। तो ये दोनों अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग चीज़ें। तो अभी जो मुझे याद आ रहा है कि मैंने जब कमेंट पढ़ा था तो मुझे ये क्वेश्चन उनका याद आ रहा है, तो इस तरीके का डाउट मत रखिए, ये अलग चीज़ है,
331 में बताया गया है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाएगा, लेकिन 81 में लोकसभा के बारे में ही बताया गया, किसके बारे में बताया गया है, लोकसभा के बारे में ही बताया गया है, ना कि एंग्लो इंडियंस के बारे में बताया गया, और ना ही 331 में लोकसभा के बारे में बताया गया। ठीक है, लोकसभा के बारे में किसने बताया गया, 81 में बताया गया है, 331 में ये बताया गया है कि मनोनीत किए जाएंगे इसमें, तो लोकसभा को दो दो जगह नहीं बताया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक सुझाव भी था रानी जी का कि हमें एक साथ जो है जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो करवा दिए जाए, तो ज़रूर अगली क्लास से मैं ये कोशिश करूँगा कि जब क्लास का हम एंड करेंगे, लास्ट करेंगे, तो क्लास के लास्ट में हम जो है शुरुआत से लेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा, और यहाँ पर क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, जब हम क्लास को एक चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे तब हम इस पर बात करेंगे। यानी कि जैसे कि अगर आज की क्लास ख़त्म होती है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास के एंड में आते आते उस सभी आर्टिकल्स पर जो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, सब 5-6 आर्टिकल्स डेली के हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो ये सजेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा रानी जी का, सजेशन देने के लिए, सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं बोलता हूँ कि कमेंट कीजिए, आपके अगर पास कोई सुझाव है, अच्छा सुझाव है, तो उसे कमेंट कीजिए, उस पर हम लोग काम करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि ये लक्ष्य की पूरी फैमिली है, उस फैमिली के जितने भी सब्सक्रिप्शंस हैं, आप लोग जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सभी इसके सदस्य हैं, तो इसको ज़्यादा बड़ा कीजिए, फैलाइए, एक नाम कीजिए इस फैमिली का, तो उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अब जो है रानी जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और भी इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो मैं बार बार वही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो 9 बजे अपलोड हो जाती है क्लास, तो लाइव चैट में आइए, वहाँ पर मैं हाथों हाथ आपको जो है कमेंट्स करके बता दूंगा। नहीं आ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरीके से कमेंट कीजिए। आप सभी लोग जिनके भी डाउट बनते हैं उनको मैं अगली क्लास में ज़रूर डिस्कस करूंगा, और उनके डाउट को जो है ख़त्म करूंगा, उनके कोई भी शंका नहीं बचने दूंगा, किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न मत पालिएगा। कोई भी कन्फ्यूज हो रहा हो, किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो कमेंट ज़रूर करो, आंसर मैं ज़रूर दूंगा उसका। ठीक है, मैं भागने वाला नहीं हूँ कि आपके प्रश्नों से मैं भाग जाऊँ, ठीक है, भागने का काम नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं किस पर, संसद के पीठासीन अधिकारी पर, ऑन द चेयर। ठीक है, ऑन द चेयर पर हम लोग बात करेंगे, यानी कि जो हम देखते हैं पीठासीन अधिकारी के बारे में, तो संसद में हम जानते हैं कितने सदन हैं बच्चे, 2 सदन हैं। कौन कौन से सदन हैं, राज्यसभा है और लोकसभा है। ठीक है, राज्यसभा है और लोकसभा है, तो राज्यसभा में जो पीठासीन अधिकारी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सभापति बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, सभापति बोलते हैं। और लोकसभा में, लोकसभा में जो होता है उसे हम बोलते हैं अध्यक्ष, क्या बोलते हैं बच्चे, अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में सभापति तो होता ही है, लेकिन एक उपसभापति भी होता है। ठीक उसी तरीके से लोकसभा में एक अध्यक्ष तो होता ही है, साथ में एक उपाध्यक्ष भी होता है, साथ में एक उपाध्यक्ष भी होता है। राज्यसभा के रूप में, या राज्यसभा ने जो काम करना शुरू किया था भारत में, वो कब किया था, 1952 में किया था, ये मैंने आप लोगों को बताया, वर्ष 1952 से राज्यसभा निरंतर काम कर रही है, विघटित नहीं हुई है, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है, ये कभी विघटित नहीं हो सकती है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में हम देखें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता था एक समय, या केंद्रीय विधान परिषद होता था ब्रिटिश काल में। ठीक है, तो जो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कंसेप्ट आया वो कहाँ से आया, इस पर हम थोड़ा सा जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपना लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, भारत परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कंसेप्ट आता है वो कब से आता है, ये जो संस्था है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, ये कहाँ से आता है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, इतिहास में चलते हैं थोड़ा सा, कि ये आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा पॉलिटी में, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये जो कंसेप्ट आया वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा आया, और 1919 के इस अधिनियम के आधार पर ही जो है क्या किया गया, 1921 में, वर्ष 1921 में, कब बच्चे, वर्ष 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कंसेप्ट को लाया गया, किस अधिनियम के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, वर्ष 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कंसेप्ट को लाया गया, क्लियर है। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कंसेप्ट को लाया गया, तो उस समय इनको इसी इन्हीं नामों से नहीं जाना जाता था,
इन्हीं नामों से नहीं जाना, तब क्या कहते थे अंग्रेजी में वही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इनको क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, या फिर आपको अगर ये शब्द भी मिल जाए डिप्टी प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये भी इनको कहा जाता था जो उपाध्यक्ष होता था, मतलब वाइस या डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था, अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंट कहा जाता था। और ये कहां पर आया, उस समय होती थी केंद्रीय विधान परिषद, उस समय होता था क्या, केंद्रीय विधान परिषद होता था, जिसका मुख्य पीठासीन अधिकारी कौन होता था, जो भारत का गवर्नर जनरल होता था वह मुख्य पीठासीन अधिकारी होता था, ठीक है, मुख्य पीठासीन अधिकारी होता था कब, जो केंद्रीय विधान परिषद होता था उस समय ब्रिटिश काल में उसका। तो ये जो नामकरण है प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट का, ये 1947 तक इसी तरीके से चलता रहता है, वर्ष 1947 तक ये इसी प्रकार से चलता रहता है। लेकिन एक दृष्टि हम यहाँ पर डाल लें कि जब 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई तो गवर्नर ने किन की नियुक्ति की, गवर्नर ने कौन कौन वो ऐसे पहले अध्यक्ष बने या पहले उपाध्यक्ष बने जो केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में काम किया उन्होंने, या कह सकते हैं प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में काम किया, तो एक व्यक्ति हुए कौन, मिस्टर फ्रेडरिक, फ्रेडरिक, और एक व्यक्ति हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनका नाम आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद नंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये तो बने प्रथम उपाध्यक्ष या कह सकते हैं डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है बच्चे, और ये कौन बने, ये बने अध्यक्ष। अब बात आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रही होगी, तो हम थोड़ा सा इतिहास को देख रहे हैं कि ये जो पद है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद है लोकसभा के में, ये कहाँ से एक तरीके से शुरू होता है हमारे देश में, कहाँ से आता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से इसकी शुरुआत हुई, और 1919 के अधिनियम के आधार पर 1921 में प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट नाम के दो पद का सृजन किया गया, जिसे हम आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोल रहे हैं। और जो पीठासीन अधिकारी होता था केंद्रीय विधान परिषद का मुख्य, वो गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल ने पहले जो अध्यक्ष की नियुक्ति किया कह सकते हैं, पहले प्रेसिडेंट की नियुक्ति की, वो कौन थे, मिस्टर फ्रेडरिक थे, और जो उपाध्यक्ष बने वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। तो केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय विधान परिषद में पहुंचने वाले पहले जो भारतीय रहे वो कौन रहे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो केंद्रीय विधान परिषद में नियुक्त होने वाले पहले जो व्यक्ति रहे, पहले भारतीय रहे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे, तो उपाध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त किया, तो हम कह सकते हैं ये कौन है, ये प्रथम है दोनों जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में आए। इसके बाद अगर हम देखें तो अध्यक्ष के रूप में पहली बार कोई भारतीय जो बना 1925 में बना, यहां तक मैं समझता हूं आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, मैं इसे अब जो है मिटा देता हूं, जिन्होंने नहीं लिखा है मैं उनसे कहूंगा कि रिवाइंड कर लें, बैक कर लें, और फिर उसके बाद उसे स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट ना ले पाए हो तो आराम से एक बार बैक होकर एक बार फिर से आप लोग देखकर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 1925 में क्या हुआ कि विट्ठल भाई जे पटेल, वर्ष 1925 में एक व्यक्ति जिनका नाम है विट्ठल भाई जे पटेल, तो जो विट्ठल भाई जे पटेल हैं ये पहले यानी कि प्रथम भारतीय, भारतीय जो कौन बने, जो केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष बने यानी कि प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने, क्लियर है। तो नाम ध्यान रखिएगा, विट्ठल जे पटेल, विट्ठल जे पटेल 1925 में पहले भारतीय थे जो केंद्रीय विधान परिषद में, उस समय क्या कहा जा रहा है पार्लियामेंट को, केंद्रीय विधान परिषद, यानी कि उस समय जो भारत में कानून बन रहे थे वो उसमें केंद्रीय विधान परिषद का एक महत्वपूर्ण रोल था, इस बात को आप इतना ध्यान रखिए। तो उसके पहले अध्यक्ष जो बने, प्रेसिडेंट बने, वो कौन बने, विट्ठल भाई जे पटेल बने, ये पहले भारतीय अध्यक्ष बने, पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने, विट्ठल जे भाई पटेल, यानी कि किसके, जो केंद्रीय विधान परिषद थी, यानी कि उस समय जो कानून बनाने वाली व्यवस्था थी अध्यक्ष के रूप में, जो हम आज देख रहे हैं लोकसभा कह सकते हैं,
तो कौन बने, विट्ठल भाई जे पटेल। तो ये तो हो गई केंद्रीय विधान परिषद की बात, उस समय की बात, भारत के आजाद होने से पहले की बात। लेकिन जब लोकसभा का सृजन हुआ 1947 में, हम देखते हैं वर्ष 1947 में हमारा देश आजाद होता है, और 1947 के बाद हम कहते हैं कि इसको किस नाम से जाना जाता है, जनता का सदन, है ना, जनता का सदन। ये मैंने आप लोगों को बताया था लोकसभा का पुराना नाम है, ठीक है, जनता का सदन। 1954 में नाम बदला गया था इसे, 1954 में इसे लोकसभा कहा गया, लेकिन 1954 तक मैंने आप लोगों को क्या बताया था, राज्यसभा को क्या कहा जाता था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर डालिए, जबकि राज्यसभा को क्या कहा जाता था, ठीक है, लोकसभा को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, जनता का सदन कहा जाता था। तो यहाँ पर जनता के सदन जो 1947 में हम कहते हैं गठित होता है, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बने, यानी कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और इसमें से कई लोग आंसर देने में सक्षम होंगे। जो लोग आंसर बता सकते हैं तो बता सकते हैं कि इसके प्रथम या जो प्रथम अध्यक्ष हैं किसके, लोकसभा के, वो कौन थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए, कि जिनको पता है वो आंसर दे सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि सभी लोगों को मालूम है, लेकिन शायद वो इस डर की वजह से नहीं दे पाते। देखिए क्या होता है कि हमें आंसर मालूम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे आपने नहीं पढ़ा है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी जब मैं इनका नाम बताऊंगा तो आप कहेंगे कि हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ है, जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है लेकिन उनको लग रहा है कहीं ये गलत तो नहीं है, तो क्या होगा, जी वी मालवांकर, ठीक है, जी वी मालवांकर जो हैं, जी वी मावलांकर, तो रह गया मावलांकर, ठीक है, जी वी मावलांकर जो हैं वो कौन है, प्रथम अध्यक्ष रहे कहाँ के, लोकसभा के, ठीक है, आज़ादी के बाद जो प्रथम अध्यक्ष बने लोकसभा के वो कौन बने, जी वी मालवांकर, और प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने, इसका भी आंसर दे दीजिए चलिए जल्दी से, जिसको भी पता है वो आंसर दे, जो भी माइंड में आ रहा हो, जो भी नाम माइंड में आ रहा हो, ऐसा कि जैसा लग रहा हो आपको कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है, तो कमेंट में आप इसका आंसर डाल सकते हैं। देखिए ऐसी चीज़ें याद होती हैं, अनंत सायानाम आयंगर, अगर किसी को नहीं पता है तो नोट करते रहिएगा, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, नाम थोड़ा बड़ा है इनका, अनंत सायानार आयंगर, ठीक है, अनंत सायानार आयंगर, ठीक है। तो ये कौन है, उपाध्यक्ष हुए, प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए, अनंत सायानार आयंगर लोकसभा के, और प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, जीबी मालवांकर, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है हमारे देश में, और इसको हम कैसे धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते हुए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक बार फिर से, कि जो अभी वर्तमान में पीठासीन अधिकारी हैं इनके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया, कितने से कितने अनुच्छेद तक इनकी चर्चा की गई है, निर्वाचन अवधि, पदावधि वगैरह, इन सब चीज़ों पर अब बात कर लेते हैं कि इनको पद से भी अगर हटाना हो तो कैसे हटा सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जिसे सामयिक अध्यक्ष भी कहा जाता है हिंदी में, तो ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में रखा हुआ मिला भी होगा। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं या एग्जाम्स देते हैं उनके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस अक्सर बने रहते हैं। तो चलिए यहाँ तक अगर कोई डाउट हो आपके माइंड में तो कमेंट में जरूर डालिएगा। देखिए जो चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं हमारा फोकस वहाँ तक ही होना चाहिए, और जब हमारा फोकस उसी चीज़ पर होता है जिस टाइम पर हम जिस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, तो यकीन मानिए कि आप कुछ नहीं भूल सकते, लेकिन जिस चीज़ को आप जिस टाइम पर पढ़ रहे होते हैं और आपका दिमाग कहीं इधर उधर घूम रहा होता है ना, आत्मा भटकने लगती है, आत्मा भटकने लगती है का मतलब क्या है कि पढ़ते पढ़ते जो है हम कल्पना में चले जाते हैं ना, आत्मा भटक जाती है, तो वो वाला नहीं। अगर आत्मा भटक गई है तो ये समझो कि वापस बुला लो उसे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, जो पढ़ाया है यहाँ पे वो सब गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑन द चेयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोकसभा को लेकर बात कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम बात करेंगे राज्यसभा को लेकर। लोकसभा में जैसा कि मैंने बताया एक अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष भी होगा, एक पैनल होता है पूरा मेनली, ठीक है, उपाध्यक्ष होगा। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में, या मुख्य रूप से अगर हम अध्यक्ष की बात करें, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में जो बताया गया है वो संविधान के 93 से 97 अनुच्छेद तक बताया गया, कितने से कितने तक, 93 से 97 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है,
इनमें बताया गया, कितने से कितने तक बताया गया, 93 से 97 तक अध्यक्षों के बारे में बताया गया है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका अगर हम निर्वाचन देखें, निर्वाचन और पदावधि की बात करें, यानी कितने समय तक रहता है, तो निर्वाचन की अगर हम बात करें तो इसका निर्वाचन किस में से होता है लोकसभा अध्यक्ष का, सीधी सी बात है, जो अध्यक्ष होता है सबसे बड़ी बात कि यह लोकसभा का सदस्य होता है। किसका सदस्य होता है? लोकसभा का सदस्य होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ तक चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है। ये मुख्य रूप से पहली जो सदन होता है, पहला जो बैठक होता है, उसमें सदस्यों के बीच में क्या करता है, किसी भी तरीके के कार्य को या उनके बीच जो एक अध्यक्ष का चुनाव जो है किया जाता है पहली बैठक में, ठीक है। जो सदस्य लोकसभा का सदस्य होता है कौन? अध्यक्ष जो होता है। और इसका निर्वाचन कैसे होगा, अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ, इसका निर्वाचन कैसे होगा, जो पहली बैठक होता है सदन का, पहला बैठक जब होगा तो सदन का, भैया पहला बैठक जब होगा बच्चे तो क्या होगा, पहला बैठक में अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा किसमें से, सदस्यों में से ही, सदस्यों में से निर्वाचन किया जाएगा, ठीक है, सदस्यों में से निर्वाचन किया जाएगा। तो अब यहाँ पे बात, एक क्वेश्चन उठता है कि पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, पहली बैठक की अध्यक्षता करता है प्रोटेम स्पीकर। कौन करता है बच्चे? प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर को हिंदी में बोलते हैं सामयिक अध्यक्ष। क्या बोलते हैं बच्चे? सामयिक अध्यक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करते हैं, जो सामयिक अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। और वो जो बैठक करते हैं पहली बैठक में ही, सदस्यों में से ही किसको चुना जाता है, अभी मैं बताऊंगा प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे चलते रहिए, चीज़ों को समझिए आराम से। सदस्यों एक बार समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं छूटेगा। सदस्यों में से ही चुना जाता है कौन? लोकसभा के सदस्यों में से ही कौन चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। और पहली बैठक में चुना जाता है, पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर करेगा, या हिंदी में बोले तो सामयिक अध्यक्ष करता है। तो अब जो अध्यक्ष का चुनाव है ना, जो सदस्यों में से चुना जाएगा, तो अब उसमें वोटिंग डाली जाएगी किसको चुना जाए। तो इसके जो चुनाव की तारीख है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके चुनाव की तारीख को कौन निर्धारित करेगा कि भाई जो है हमें जो है अब अध्यक्ष चुन लेना चाहिए, उस डेट को कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति द्वारा जो है उस डेट को निर्धारित किया जाता है। जो डेट होती है, डेट ऑफ इलेक्शन होता है किसका? प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ लोकसभा। तो डेट ऑफ जो इलेक्शन होता है, डेट होता है किसका? लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने का, वो कौन निर्धारित करता है? वो बच्चे राष्ट्रपति निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, कई बार जो है अलग अलग एग्जाम्स में इसको इसी तरीके से पुटअप किया गया है, पूछा गया है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं। और फिर इसके बाद जब कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है, क्या हो जाता है? चुन लिया जाता है अध्यक्ष के रूप में, तो उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही नियुक्त उसे करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष के लिए या उपाध्यक्ष के लिए, दोनों के लिए ही जो है शपथ ग्रहण अलग से नहीं होता है। शपथ जो होता है उसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने शपथ पहले ही ले ली है किस रूप में? लोकसभा के सदस्य के रूप में, ठीक है। जो लोकसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने शपथ ली हुई है, तो बेशक वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्यों ना बन जाए, तो उनके लिए अलग से शपथ का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो बात समझ में आ रही है यहाँ पे? सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ यहाँ तक, तो इस चीज को समझ में रखिएगा। तो जो निर्वाचन है, ठीक है, निर्वाचन की कब होगा? पहली बैठक में आयोजित किया जाएगा। और पहली बैठक को लेकर जो डेट निर्धारित करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पहली बैठक की डेट निर्धारित करेगा मतलब कि सदस्यों में से चुनाव किया जाएगा किसका? अध्यक्ष का। और पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर करेगा, जिसे सामयिक अध्यक्ष कहा जाता है। अब यहाँ पर जो शपथ होता है ना, शपथ जो होता है किसको? लोकसभा के सदस्यों को जो शपथ दिलवाता है वो कौन दिलवाएगा? प्रोटेम स्पीकर दिलवाएगा। कौन दिलवाएगा बच्चे? प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलवाता है। देखो जितने ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, केवल जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको तो राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। अब इतने सारे मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ कैबिनेट मंत्री बन गए तो उन्हें तो राष्ट्रपति ने शपथ दिलवा दी, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ी संख्या तो ऐसी है जिनको शपथ राष्ट्रपति जी दिलवाने बैठेंगे तो उनको तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं वो? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको पता चल जानी चाहिए कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेंगे? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेंगे। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है बच्चे? राष्ट्रपति करेंगे।
तो राष्ट्रपति जी जब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं तो प्रोटेम स्पीकर का काम ही यही होता है कि वह शपथ दिलवा दे उन सभी सदस्यों को और पहली बैठक का आयोजित किया जाए और वो सहायता करे, मदद करे सदस्यों की, जिससे वो अपना एक अध्यक्ष चुन सके। तो इस तरीके से बच्चे इनका निर्वाचन होता है। किसका निर्वाचन होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है वो आपको पता चल गया कि ये सदस्यों में से ही चुना जाता है। और इसको जो डेट होता है चुनने का वो कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति डिसाइड करता है। और नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लेकिन जो सदस्य के रूप में शपथ कौन दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस बड़े आराम से पुटअप किए जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्तर के परीक्षा को दे रहे हो। तो अब यहीं पर अगर पदावधि की भी बात कर लिया जाए, है ना बच्चे, पदावधि यानी कि जो उनका काम करने का टाइमिंग होगा। देखो पदावधि सामान्यतः क्या होती है? सामान्यतः यह होती है कि जब तक लोकसभा का जीवन काल है, लोकसभा का जीवन काल है। जीवन काल का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए सदा के लिए। जीवन काल कितना होता है लोकसभा का? लोकसभा का जीवन काल होता है, कला लिख दिए थे हैं, लोकसभा का जीवन काल होता है बच्चे 5 वर्ष। 5 वर्ष का काल होता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी पदावधि भी 5 वर्ष होगी। ठीक है, ये चीज हमने देखा था। और कल मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है और वह अपने पद अपने राज्य जिस पार्टी से वह सदस्य बना था उस पार्टी की सदस्यता को अगर त्याग देता है, है ना, त्याग देता है, तो क्या वह दल बदल कानून के अधीन आएगा? उसका पद को ख़त्म कर दिया जाएगा? तो नहीं। ठीक है, तो अब जल्दी से बता दो कि जो दल बदल विरोधी कानून है, दल बदल विरोधी कानून है, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो जल्दी से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो जल्दी से। ठीक है, तो ताकि पीछे का हमारा साथ साथ में रिवीजन होता रहे। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि लोकसभा में जो पदावधि है, लोकसभा का जीवन काल तक जो है किसकी? लोकसभा अध्यक्ष की पदावधि 5 वर्ष तक की सामान्यता रहती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जो है ये पद खाली हो सकता है, है ना, किसी कारणों से। कैसे? कि मुख्यतः 3 कारण हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यदि वह सदन की सदस्य ना रहे, किसी कारण क्या हो कि जो अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष बना है, वो अध्यक्ष कौन बना है? ये अध्यक्ष तो वही व्यक्ति बना है ना जो सदन का सदस्य है। सदन का सदस्य कौन सा सदन का सदस्य है? लोकसभा का सदस्य है। बात समझ में आ रही है? अब जब लोकसभा का जो सदस्य है वो क्या हो, वो है पद से हट जाए, है ना, उसकी सदस्यता खत्म हो गई है, सदस्यता समाप्त हो गई है। जब सदस्यता समाप्त हो जाती है तो वह अध्यक्ष के पद से हट जाता है अपने आप ही। ठीक है, किसी भी तरीके से क्या हो कि सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है उसकी, किसकी? लोकसभा अध्यक्ष की। मान लिया कोई एक मैटर ऐसा हो गया, जैसे कि अभी मैं इस चीज को यहाँ पर रिलेट करता हूँ आप लोगों से। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर कल भी बताया था, पिछली जो क्लासेस जिन्होंने देखी है उनको पता होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जिन्होंने नहीं देखा मैं यही कहूँगा कि बार बार पीछे जाइए और देखिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी। तो अब मैंने कल मैंने क्लासेस में पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी सदस्य की के चुनाव को शून्य घोषित कर देती है तो वो उस आधार पर जो है उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो अभी देखिए एक केस है, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, जो आज की डेट है, जो डेट हमारी है 10 जून और 11 जून का जो टाइम है, या 10 या 11 जून का जो टाइम है, इस टाइम पे एक केस चल रहा है। एक अभी मामला सामने आया, अगर आप लोग समाचारों में बने रहते हैं तो, एक नवनीत राणा जी हैं, नवनीत राणा ये सांसद हैं महाराष्ट्र में, एक जगह है वहाँ से। ठीक है, मुख्यतः किस राज्य से हैं ये, किस राज्य से बिलोंग करती हैं ये नवनीत राणा जी, जो बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं महाराष्ट्र से। तो अभी जो इन जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, जो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, उन्होंने जो है इनकी सदस्यता को अवैध करार दिया है। अवैध करार दिया किस आधार पर अवैध करार दिया है? कि इन्होंने जो अपना जाति प्रमाण पत्र लगाया था, जाति प्रमाण पत्र लगाया था, उसको उन्होंने अवैध बताया। किसने? हाई कोर्ट ने अवैध बताया। उन्होंने पटिशन डाली थी किसी व्यक्ति ने, तो उनके प्रमाण पत्र को अवैध बताया। तो जाति प्रमाण पत्र का क्या मतलब है? जिस सीट से नवनीत राणा जी ने चुनाव लड़ा, ठीक है, वह सीट एससी और एसटी के लिए, मुख्यतः कह सकते हैं एससी के लिए जो है रिजर्व थी, एससी सीट थी, और इन्होंने जो अपना प्रमाण पत्र लगाया है वो एससी कैटेगरी का लगाया है। तो अब ये प्रश्न बार बार उठ रहा है और हाई कोर्ट में भी कई बार इस चीज को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कई बार मामला जा चुका है इनको लेकर।
तो यहाँ पर जो है जाति प्रमाण पत्र को अवैध बताया, अवैध बताया है अभी हाई कोर्ट ने। तो अब हो सकता है कि निकट भविष्य में नवनीत राणा जी जो कि सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कहाँ पर, लोकसभा में, तो जो लोकसभा में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो उनकी सदस्यता क्या होगी, खत्म हो सकती है। तो अब इस तरीके से मान लीजिए कि अब यही कंडीशन यहाँ पर भी है। अब मान लीजिए कि नवनीत राणा जी को हम इस तरीके से मान लेते हैं कि ये लोकसभा की अध्यक्ष हैं, ठीक है, ये क्या है, ये लोकसभा की अध्यक्ष हैं मान लेते हैं अभी, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए, है ना, ये अध्यक्ष है नहीं अभी, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम मान लेते हैं इस कंडीशन को ही लेकर समझने के लिए इस चीज़ को, कि मान लिया कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, कौन, नवनीत राणा जी हैं लोकसभा की अध्यक्ष हैं। अब लोकसभा की ये अध्यक्ष हैं तो अब ये इस वजह से इनकी सदस्यता क्या हो गई, समाप्त हो गई, तो क्या होगा, ये अध्यक्ष पद से हट जाएंगे, ठीक है। तो बात आपके समझ में आ गई होगी, तो आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं नवनीत राणा को लेकर जो मामला चल रहा है अभी, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लेकिन जो ओवरऑल जो इसका सारांश है मैंने आप लोगों को बता दिया। तो देखिए चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं ये कोई मंगल ग्रह की तो है नहीं, सब कुछ पृथ्वी की है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और पृथ्वी पर भी भारत का संविधान पढ़ रहे हैं आप, तो जो जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ना ये प्रैक्टिकल में रहती हैं, और जब आप प्रैक्टिकल में वास्तविकता में रहती हैं, कुछ काल्पनिक नहीं बता रहा हूँ मैं, काल्पनिक तो ट्रिक हैं, कहानियां हैं, ये सब वास्तविकता है, और इसको मैंने आप लोगों को बताया है, समझाया है, तो ये सारी चीज़ें वास्तविकता में चल रही हैं, तो ठीक है, इनको आप लोग देखिए समाचारों के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा, ठीक है। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर अच्छा एक अच्छा समाचार चैनल देखिए, ठीक है, अच्छा समाचार चैनल देखिए, कोई बहकाने वाला या वैसा समाचार चैनल मत देखिए। चलिए तो लोकसभा के सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो भी अध्यक्ष को अपने पद से हटना होगा, तो एक कारण तो ये हो जाता है कि यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है, कौन, अध्यक्ष जो बना हुआ है वह सदन का सदस्य नहीं रहता है तो वह अध्यक्ष पद से हट जाएगा। दूसरा का दूसरे किस रूप में हट सकता है, वह क्या करे, वह त्याग पत्र दे दे अध्यक्ष पद से। किसको त्याग पत्र देगा वो, अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो, वो त्याग पत्र किसको देगा। चलो ऑप्शन देता हूं मैं यहाँ पे, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, ऑप्शन बी देता हूं आपको, उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, उपाध्यक्ष जो है इसका, ऑप्शन सी देता हूं राज्यसभा का जो सभापति होता है उसको त्याग पत्र देगा, ऑप्शन डी देता हूं प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देगा। जल्दी अगर किसी को इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। देखिए क्वेश्चंस जो है आपके यहीं पर इसी तरीके से बनते हैं, बस जरूरत है कि आपको जो है थोड़ा सा समझने की और चीज़ों को जानने की। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा उपाध्यक्ष, ठीक है। तो ये जो अध्यक्ष है लोकसभा का वो किसको त्याग पत्र अपना संबोधित करेगा, किसको लिखित रूप से, लिखित और हस्ताक्षर करके किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा बच्चे, उपाध्यक्ष को यह देगा। कई कैंडिडेट्स ने जो है जिन्होंने देखा होगा वो राष्ट्रपति लगा सकते हैं, प्रधानमंत्री लगा सकते हैं, उपाध्यक्ष पर जो है बहुत ही कम लोगों की नज़र आती है जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो अब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी कि अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र देता है वो किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है। तो यदि अध्यक्ष अपना त्याग पत्र दे दे तब क्या हो कि उसकी वो पद से खाली हो जाएगा, यानी कि अध्यक्ष पद जो है खाली हो जाता है। इसके बाद एक चीज क्या होती है, जैसे कि पद से हटाने की एक प्रक्रिया होती है ना। जब मैंने आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाया था तो उपराष्ट्रपति पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। महाभियोग तो नहीं लाया जाता है लेकिन उसको एक छोटी सी प्रक्रिया के द्वारा हटा लिया जाता है। तो ठीक वैसे ही प्रक्रिया यहाँ पर होती है, ठीक है। और सभापति के मामले में भी वही होगा क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो कि लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में एक संकल्प पारित हो, एक संकल्प पारित किया जाए, और ये संकल्प कैसे हो, पूर्ण बहुमत के साथ हो। कैसे हो, पूर्ण बहुमत के, जो टोटल संख्या है लोकसभा की, जो टोटल संख्या है वो सभी के सभी जो है इस बात के लिए सहमत हो कि लोकसभा में जो ये अध्यक्ष हैं इनको हटा दिया जाए पद से। लेकिन इस प्रकार का संकल्प लाने से 14 दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। किसको, लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देना आवश्यक है, यानी कि एक नोटिस जारी करना, जो है ना 14 दिन पूर्व का नोटिस आप सभी लोग जानते हैं। महाभियोग में भी हम देखते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी 14 दिन का नोटिस देखते हैं। तो ये केवल और केवल लोकसभा में क्या होगा, एक संकल्प पारित करके, जो पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित होगा उसके द्वारा भी इनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार का संकल्प लाने के लिए 14 दिन पूर्व का नोटिस किसको देना होगा, लोकसभा को
लोक उनको लोकसभा अध्यक्ष को देना होगा। तो बात यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और कोई डाउट बचे तो कमेंट में जरूर डालिएगा, ठीक है। चीज़ों को हम जो है अच्छे से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही अगर हम देखें कि जो लोकसभा में जो ये अध्यक्ष हैं इनके ऊपर जो ये संकल्प पारित लाया गया या उनको पद से हटाने के जो विचार लाया गया, जो संकल्प लाया गया है वो क्या हो, विचाराधीन हो, है ना। इस बात को समझिएगा कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष हैं इनके विरोध, इनको पद से हटाने के लिए क्या लाया गया, संकल्प लाया गया, उस पर अभी विचार चल रहा है। तो जब विचार चल रहा है तो विचाराधीन है, जब विचार चल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस पर अभी कार्यवाही चल रही है। लेकिन तब उस समय लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, क्योंकि भाई कार्रवाई कहाँ चल रही है, लोकसभा में चल रही है। तो वह जो अध्यक्ष हैं ये पीठासीन नहीं होंगे, ठीक है, ये पीठासीन के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि अध्यक्ष के रूप में अब उस समय कौन विराजमान होगा, उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष काम कर रहे होंगे। यानी कि जो संकल्प लाने का प्रस्ताव है वो विचाराधीन हो, लोकसभा में विचार किया जा रहा है, तो उस समय जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जिनके विरुद्ध लाया जा रहा है प्रस्ताव, वहां उस पर वह अध्यक्ष के रूप में काम, वे अध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, पीठासीन नहीं होंगे, यानी ऑन द चेयर वे नहीं होंगे। लेकिन अध्यक्ष को जो है लोकसभा में बोलने, अपना वोट देने, अपनी बात को रखने, कार्रवाई में शामिल होने का पूरा अधिकार होगा जब तक उन पर विचार चल रहा है तब तक, ठीक है। यानी कि एक सदस्य के रूप में वो काम कर सकते हैं लेकिन अध्यक्ष के रूप में वो काम नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देखिए पदावधि जो लोकसभा का जीवन काल होता है 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष तक के लिए वह अपने जीवन काल में बने रहेंगे, यानी जब तक लोकसभा का जीवन काल कहते हैं 5 वर्ष के लिए सामान्य स्थिति में। लेकिन उस बीच अगर सदस्यता समाप्त हो जाए लोकसभा से, है ना, सदन से सदस्यता समाप्त हो जाए तो अध्यक्ष पद से हट जाएंगे, वह त्याग पत्र दे दें, किसको त्याग पत्र दे दें, उपाध्यक्ष को दे दें, लोकसभा में एक संकल्प पारित करके उन्हें पूर्ण बहुमत से निकाल दिया जाए, पद से हटा दिया जाए, और इसके लिए 14 दिन पूर्व का नोटिस उन्हें सौंप दिया जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर इसका दे दिया होगा कि दल बदल विरोधी जो कानून है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा वर्ष था, 1988, कौन सा वर्ष था बच्चे, 1985, कौन सा संविधान संशोधन था, 1985 में लाया गया था। राजीव गांधी इस समय कौन थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। चलिए तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी और इस चीज़ को हमने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया। तो अब आगे चलते हैं अब हम देख लेते हैं जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के उनकी शक्तियाँ एवं कार्य क्या कहती हैं, है ना, उनके पास क्या पावर हैं, क्या शक्तियाँ हैं, वह किस प्रकार से वो अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, है ना, क्या काम करते हैं, उनके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं जिस पर वह निर्णय ले सकते हैं। देखिए इनसे क्वेश्चंस बड़े आराम से पुटअप होते हैं और आप लोग इसे रटते हैं, या कहा जा सकता है कि अधिकांश जो कैंडिडेट होते हैं इन चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं, जबकि आप सिस्टमेटिक तरीके से इनको ध्यान रख सकते हैं। याद भी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि भाई संविधान आपका ही है, है ना, या फिर मंगल ग्रह के किसी प्राणी का नहीं है, भारतीय हैं तो भाई संविधान अपना जो है पता होना चाहिए, उसके अंदर के जो नियम कानून है वो तो हमें एटलीस्ट बेसिक तो मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत कि क्या है, है ना। जब हमें नहीं मालूम होगा तो दिक्कत होगी ना, कोई भी आके उल्लू बना के चला जाएगा, जैसे कि उल्लू तो हम बनते ही हैं हमेशा, है ना, जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं वो हमको घुमाते ही तो हैं बस, है ना, झुंझुना बना के हिलाते रहते हैं हम लोगों को। चलिए तो ये देखते हैं कि जो अध्यक्ष की शक्तियाँ हैं, किसकी शक्तियाँ, अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य, ठीक है। तो जो अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो प्राथमिक इसका कार्य होता है, है ना, प्राइमरी वर्क जो होता है इसका, प्राथमिक कार्य की अगर हम बात करें तो क्या कार्य है, प्राथमिक कार्य क्या है, बैठकों का संचालन करना, उनको नियंत्रित करना, जो भी सदस्य हैं लोकसभा में उन सभी को एक टाइम देना कि किसको कितने समय तक बोलना है, वो सारा कंसेप्ट क्या है, प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आता है। यानी कि बैठक जो हो रही है उस बैठक का संचालन करना है, है ना, बैठक का संचालन लिख सकते हैं यहाँ पे, संचालन, क्लियर है। समय देना सभी को, सदस्यों को समय देना, किस लिए, बोलने के लिए, कौन कितने समय तक बोलेगा, ठीक है, जो भी कार्यवाहियाँ जो हो रही हैं, जो भी कार्य हो रहा है उसको व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से चलाना,
एवं नियंत्रित करना, ठीक है, क्या करना, नियंत्रित करना। तो ये कंसेप्ट जो है हमको देखने को मिलता है, जो प्राथमिक कार्य है, जो प्राइमरी कार्य है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो अध्यक्ष के जो कार्य हैं वो और भी महत्वपूर्ण होते हैं कुछ चीज़ों से। अगर हम देखें कि अध्यक्ष को उसकी जो शक्तियां हैं, जो कार्य हैं, उसके लिए पावर उसे कहां से मिलती है, तो इसके जो स्रोत हैं वो हम मुख्य रूप से देखते हैं, जैसे कि संविधान है ना, भारत का संविधान इसको पावर देता है कुछ, है ना, जो संसदीय कुछ नियम हैं, नियम हैं, संसदीय कुछ परंपराएं हैं, है ना, तो इन सब से जो है एक तरीके से इनको शक्ति मिलती है, पावर मिलती है इन सब चीज़ों को करने के। इसके अलावा और क्या काम शक्तियां हो सकती हैं, जैसे कि किसी प्रस्ताव पर, है ना, कोई प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के बीच में मतभेद हो, पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या हो, बराबर बराबर हो गया हो, है ना, बराबर बराबर वोटिंग हो गई हो, यानी कि अब ये इक्वल हो गया हो, किसी मैच जो है वो टाई हो गया है, क्या हो गया, मैच ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हो गया मैच, है ना, मैच ड्रॉ की स्थिति में हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब ये ड्रॉ की स्थिति को ख़त्म करने के लिए जो अध्यक्ष होगा वह अपना मत देगा। देखिए अध्यक्ष जो है कभी भी अपना मत पहले नहीं देगा। अध्यक्ष अपना मत कब देगा, अध्यक्ष अपना मत देगा तब जब मैच ड्रॉ हो रहा हो, यानी कि जब पक्ष और विपक्ष का मत जो है वो बराबर हो गए हो और अब निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो इसको कहते हैं निर्णायक मत। इसको क्या कहते हैं बच्चे, निर्णायक मत। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्णायक मत किसका होता है, निर्णायक मत, तो निर्णायक मत कौन देता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है यहाँ पर मत देता है, क्योंकि वो भी सदस्य होता है यहाँ पर। लेकिन राज्यपाल राज्यसभा के मामले में जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, उस चीज़ पर हम भी हम बात करेंगे। तो निर्णायक मत देकर क्या कर देता है, इस मैच को जो है किसी एक को जिता देता है। अगर वो पक्ष के समर्थन में दे देगा तो वह जीत जाएगा, विपक्ष के समर्थन में दे देगा तो वो जीत जाएगा, यानी कि जो ड्रॉ वाला मैच था अब कोई विन हो जाएगा, है ना, कोई ना कोई एक जीत जाएगा, है ना, कौन विन होना है वो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वो हम देख लेंगे आगे, क्लियर। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो मत बराबर हो जाने पर जो निर्णायक मत है वो कौन देगा, लोकसभा का अध्यक्ष देकर उसकी उसको ख़त्म करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, है ना, धन विधेयक है या नहीं, तो धन विधेयक का निर्धारण करना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है, अध्यक्ष डिसाइड करता है लोकसभा का, ठीक है। तो धन विधेयक का निर्धारण कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा, कौन सा अध्यक्ष करेगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह इसका निर्धारण करेगा, किसका, धन विधेयक का निर्धारण करेगा। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर इस प्रकार से समझते हैं, तो जो धन विधेयक का निर्धारण करेगा और इसका जो निर्धारण है वो अंतिम होगा, कैसा होगा, वह अंतिम होगा, अंतिम निर्णय होगा इस पर, इसको बदला नहीं जा सकता। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह धन विधेयक है तो यह धन विधेयक ही है, तो यह अंतिम होगा। और फिर इसके बाद कोई भी धन विधेयक, मैंने आपको बताया था, कब तक पारित नहीं हो सकता है, जब तक पूर्व अनुमति ना हो, किसकी पूर्व अनुमति ना हो, पूर्व अनुमति ना हो किसकी, राष्ट्रपति की। तो बच्चे इस चीज़ को, इस सीक्वेंस को समझ लीजिए, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि पहले तो ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो इस बात को डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अब जब जो अध्यक्ष है वो इस बात को डिसाइड कर देगा कि यह विधेयक धन विधेयक है, तब उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा पूर्व अनुमति के लिए, फिर उसके बाद जो है वो लोकसभा में पारित किया जाएगा, राज्यसभा में पारित किया जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये शक्ति जो है इसके पास है कि धन विधेयक का निर्धारण करने की शक्ति इसके पास है। इसके अलावा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, समझे बच्चे, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, क्लियर है। लेकिन संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति का भी थोड़ा बहुत रिवीजन हम लोग कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था, अगर लोकसभा में क्या हो, अनुसूची 10, है ना, शेड्यूल 10, अनुसूची 10 के मामले में बात आती है, यानी कि दल बदल विरोधी कानून के मामले में बात आती है, तो उस पर निर्णय कौन लेता है, उस पर निर्णय भी लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष ही तो लेता है,
ठीक है। इस चीज को भी मैंने कल बताया था जब मैंने आपको कल को 10वीं अनुसूची पढ़ाई थी, तो ये भी एक इसका इसके पास पावर है, शक्ति है, कार्य है। यदि बैठक में गणपूर्ति ना हो, है ना, कि बैठक में यदि गणपूर्ति ना हो, गणपूर्ति यानी कि इसे कोरम कहते हैं, इधर की तरफ लिख लेते हैं थोड़ा ये नीचे, तो जो गणपूर्ति ना हो, गणपूर्ति क्या हो होता है, इसको लेकर कई बार मैं से कई कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन पूछे हैं, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोरम, ठीक है। कोरम क्या होता है, देखिए कोरम जो होता है वो ये होता है कि किसी भी सदन में उसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या उपस्थित हो, जिसके उपस्थिति से ही सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सके या कार्यवाही शुरू की जा सके। यानी कि सदन की कार्यवाही को शुरू करने के लिए सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या, उसको हम कोरम कहते हैं। जैसे कि अगर, और ये न्यूनतम संख्या कितनी डिसाइड की गई है, मान लिया कि लोकसभा है, तो लोकसभा या जो राज्यसभा है या राज्यसभा है, तो इनके सदनों का, है ना, दोनों में से किसी भी सदन का, मान लिया कि लोकसभा में का जो है दसवां भाग या राज्यसभा का दसवां भाग मिनिमम, ठीक है, ये होना चाहिए, तभी जो है सदन की कार्यवाही शुरू होगी, सदन की का संचालन होगा। अगर इस हिसाब से देखें तो 55 लोग जो है मिनिमम लोकसभा में होने चाहिए सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए, ठीक है, और 25 लोग जो है मिनिमम राज्यसभा में होने चाहिए सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए। तो गणपूर्ति या कोरम क्या है, वह न्यूनतम संख्या किसी भी सदन की जिसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गया। लोकसभा का दसवां भाग अगर नहीं होगा, मान लो कि 50 लोग ही हैं, तो अध्यक्ष मना कर देंगे कि भाई जो है पहले गणपूर्ति करो, कोरम पूरा करो, तब उसके बाद ही जो है कार्यवाही आगे बढ़ेगी, ठीक है। ऐसी राज्यसभा में अगर 15 लोग हैं तो कैसे कार्यवाही आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पे दसवां भाग तो 25 होता है, 25 से ज्यादा हो या 25 हो तब जो है कोरम पूरा होगा और कार्यवाही आगे की तरफ बढ़ेगी। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, उपाध्यक्ष जो होता है, उपाध्यक्ष भी सेम इसी तरीके से ही होता है, वो भी सदन का सदस्य होता है और उसको भी सदस्यों में से ही चुना जाता है। पहले अध्यक्ष को चुना जाता है, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष को चुनने के लिए जो तिथि निर्धारित की जाती है, वो तिथि कौन निर्धारित करता है, वह लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। लोकसभा जो है चुनाव जो तिथि है किसकी, उपाध्यक्ष की जो चुनने की जो डेट है, तारीख है, वो कौन डिसाइड करता है, वो अध्यक्ष डिसाइड करेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष भी सदन का सदस्य होता है, लेकिन इसको चुनने की या इसके चुनाव की जो डेट है वो कौन डिसाइड करता है, वह अध्यक्ष डिसाइड करता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे पूछूं कि अध्यक्ष को चुनने की जो चुनाव की डेट है वो कौन डिसाइड करता है, कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है, तो बात यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उपाध्यक्ष भी सेम वही होता है, और जब अध्यक्ष नहीं होता है तो उसकी जगह पर उपाध्यक्ष काम करता है, और यदि उपाध्यक्ष नहीं है तो राष्ट्रपति जो है सदन के किसी भी सदस्य को मतलब चुन सकते हैं और उसे जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं और वहां पर कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि उपाध्यक्ष और इनकी जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, सेम वही रहती हैं। जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाता है तो उसके पास भी यही सारी पावर्स और शक्तियां होती हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो अध्यक्ष का सबॉर्डिनेट नहीं होता है उपाध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष का सबॉर्डिनेट उपाध्यक्ष नहीं होता है, मतलब कि यह इसके अधीन काम नहीं करता है ना, उसके उससे छोटा पद नहीं है इसका, ठीक है, ये इस अध्यक्ष के नीचे काम नहीं करता है, ये बिल्कुल उसी के समान होता है। उपाध्यक्ष भी जो है अध्यक्ष के समान होता है, ये सबॉर्डिनेट नहीं होता है, यह उसका अधीनस्थ अधिकारी नहीं होता है, क्लियर है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार भी होता है या अध्यक्ष के पास भी, कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी संसदीय समिति के, किसी संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी के, किसी भी संसदीय समिति के सदस्य होते हैं, तो वो उसके सभापति स्वयं ही बन जाते हैं। वो स्वाभाविक सी बात है कि वो उसके सभापति, उपाध्यक्ष के पास भी ये विशेषाधिकार है कि यदि उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जा रहा है तो वह सभापति के रूप में वहां पर काम करेगा, यानी कि उनका मेंबर्स के रूप में नहीं बल्कि वहां पर अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें जो है वन बाई वन करके अलग अलग एग्जाम्स में पूछी गई हैं। चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं छोटा प्रोटेम स्पीकर। मैंने आप लोगों को बताया ही अभी कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग
नोट डाउन भी कर लीजिए, एक 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 दो लाइन है उसके लिए, तो ताकि आप लोग नोट्स जब बनाएं तो आप ध्यान रखिएगा। अब बाकी जो चीज़ें हैं मैं आप लोग को बोल ही रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप जब चाहें तब इसे ओपन कीजिए, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाइए और ओपन कीजिए और तब आप देख लीजिए। लेकिन रेगुलर डेली क्लासेस जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सही है, अपना आराम से क्लासेस कीजिए। तो प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, देखिए प्रोटेम स्पीकर कब होता है, प्रोटेम स्पीकर जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उस समय कोई अध्यक्ष तो होता नहीं है, तो उस समय राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं किसकी, राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं किसकी, प्रोटेम स्पीकर की। तो नियुक्ति कौन करेंगे भाई, नियुक्ति कौन करते हैं, नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं किसकी, प्रोटेम स्पीकर की, यानी कि सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। और ये कौन होता है प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर जो होता है वह लोकसभा का, कहाँ का बच्चे, लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। ठीक है, जो सदस्य चुनकर आ गए उनमें सबसे वरिष्ठ जो होगा उसको राष्ट्रपति जी प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त कर देते हैं। और यह अपने पद पर कब तक बना रहता है, जब तक अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए, अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए। और अध्यक्ष का चुनाव कब होता है, जब लोकसभा की पहली बैठक होती है, लोकसभा की पहली प्रथम बैठक होती है। तो जो प्रथम बैठक होती है तो उसमें जो है चुनाव किया जाता है, और उस प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है, इस चीज़ को भी मैंने पीछे बताया। और जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है वह पद से मुक्त हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इसका काम क्या है, इसका काम यह भी है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उन सभी को शपथ ग्रहण करवाना, शपथ कौन ग्रहण करवाते हैं, प्रोटेम स्पीकर जो है शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो ये कंसेप्ट भी आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैं समझ रहा हूँ। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि आपको क्या नया एक्सपीरियंस मिला यहाँ से, क्या नया सीखने को मिला। और अगर चीज़ें आपको अच्छी कुछ मिल रही हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर साझा करें यहाँ कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें ये लगे कि हाँ हम आप लोगों को कुछ अच्छा दे पा रहे हैं, तो और हमारा मनोबल भी बढ़े और हम आप लोगों को और भी अच्छी चीज़ें दे सकें और समझा सकें। चलिए, तो इस प्रकार से बात कर लेते हैं, जो राज्यसभा का सभापति होता है उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके बारे में अधिकांश बात तो मैं उपराष्ट्रपति में ही कर चुका हूँ, जिन्होंने उपराष्ट्रपति का चैप्टर किया है या जिन्होंने उपराष्ट्रपति क्लास पूरी कंप्लीट की है जो मैंने आप लोगों को दी है, तो उस में ही अधिकांश चीज़ें मैंने कवर अप कर दी हैं। लेकिन थोड़ी सी बातें जो एक अलग हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, जैसे कि राज्यसभा का सभापति, हम देख लेते हैं राज्यसभा का सभापति। तो जो राज्यसभा का सभापति है इसके बारे में क्या बताया गया है कि ये कौन होता है, यह होता है उपराष्ट्रपति। तो जो भैया उपराष्ट्रपति होता है वह पदेन सभापति होता है, कहाँ का, राज्यसभा का, कहाँ का होता है बच्चे, राज्यसभा का होता है। और ये किस आर्टिकल में बताया गया है, यह बताया गया है अनुच्छेद आपका आर्टिकल जो है इसका जो सभापति का है वो किसमें बताया गया, 89 में बताया गया है, किसमें, 89 में बताया गया है, 98 आ रहा था दिमाग में, ठीक है। तो 89 में बताया गया है पदेन सभापति जो होंगे वो 89 में बताया गया उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि जो उपराष्ट्रपति हैं वह किस अनुच्छेद में, वह उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति का जो कंसेप्ट है वह किस अनुच्छेद में बताया गया, उपराष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद में बताया गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो यहाँ पर पदेन सभापति होते हैं, आर्टिकल 89 में बताया गया है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, जो पदेन सभापति होते हैं कहाँ के, राज्यसभा के, ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं 89 में, इस चीज़ को बताया गया है। कार्य एवं शक्तियाँ देखें तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही इनके कार्य एवं शक्तियाँ होती हैं, किसके समान, लोकसभा के अध्यक्ष के समान, ठीक है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है जैसे काम करता है उसी तरीके से ये भी काम करते हैं, वही पावर इनके पास होती है। लेकिन दो मामलों को छोड़कर, दो अपवाद हैं इस चीज में, इनके पास दो अधिकार नहीं होते हैं। एक तो ये है धन विधेयक के संबंध में इनके पास कोई अधिकार नहीं होता है कि ये डिसाइड नहीं करेंगे कि धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, ये राज्यसभा के सभापति के पास ये अधिकार नहीं है इस चीज़ को डिसाइड करने का। ये केवल और केवल किसके पास है, केवल लोकसभा के
अध्यक्ष के पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को बहुत अच्छे से। दूसरी बात जो है, दूसरी बात यह है कि जैसे धन विधेयक हो गया, तो धन विधेयक में ये चीज़ होगी। दूसरी बात है कि जो संयुक्त बैठक है ना, कौन सी बैठक? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये उसकी शक्तियाँ, कार्य हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का सभापति के पास ये पावर नहीं है कि वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर ले, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि एक अलग कंसेप्ट होता है। और इसके साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो पदेन सभापति है, किसका? राज्यसभा का। यह है सदन का सदस्य नहीं होता है, सदन का सदस्य नहीं होता है। इस बात को आप, मैंने आपको पीछे ही बताया कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति सदन का सदस्य है और वह उपराष्ट्रपति बन गया तो पद रिक्त हो जाएगा। मैंने कल ही आप लोगों को समझाया था, अच्छे से बताया था, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आर्टिकल जो कौन सा है उपराष्ट्रपति को लेकर, आज जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो सदन का सदस्य नहीं होता है कौन? राज्यसभा का जो सभापति होता है वह सदन का सदस्य नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये भी जो है पहले वोट नहीं देता है, लेकिन अगर मत बराबर हो, मत बराबर हो तो ये क्या करेगा? अपना निर्णायक मत देगा। इसके पास भी निर्णायक मत देने का अधिकार होता है जो सभापति है, जबकि यह सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बाद भी निर्णायक मत ये दे सकता है मत की बराबरी में। यानी कि दोनों बराबर बराबर हो जाए, ठीक है। एक मान लिया कि 50 लोगों ने कहा नो और 50 लोगों ने कहा यस, अब क्या हो गया? यहाँ पे बराबर मत हो गया, डिसीजन ही नहीं, मैच ड्रॉ हो गया। अब मैच ड्रॉ को फाइनल करने के लिए क्या हो गया कि पता चला कि जो सभापति महोदय हैं उन्होंने एक वोट इनको दे दिया या फिर एक वोट इनको दे दिया, जिसको भी दे दिया वो विन हो गया। तो मैच ड्रॉ जो है वो हट जाता है, यानी कि मैच कोई विन कर जाता है। तो यहाँ पर निर्णायक मत का अधिकार जो है इनके पास होता है मत बराबर होने पर। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, इसको लेकर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग कन्फ्यूज होते हैं। इस वजह से कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं है, तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि उसको वोट देने का राइट नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसको भी मत का बराबर होने पर जो है वोट देने का राइट होता है, निर्णायक मत देने का राइट होता है। तो मुझे यहाँ पे अच्छे से समझ में आ सकता है, या मैं कह सकता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो संसद के पीठासीन अधिकारी हैं उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, और उनसे संबंधित जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बताई। और उन सभी से रेगुलर क्वेश्चन बनते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं या रेगुलर एग्जाम्स देते रहते हैं तो उनको पता होगा कि इनसे क्वेश्चंस किस तरीके से उठते हैं। और जिन्होंने कभी एग्जाम दिया है और उनके एग्जाम्स में कुछ इनसे उठ कर कोई क्वेश्चन आया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए आप लोग, और बताइए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर फेस करने को मिले थे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास आपने पूरी की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से रेगुलर बने रहें, ठीक 9 बजे उपस्थित हो जाएं ताकि हम लोग लाइव चैट कर सकें और आपके जो भी डाउट्स हैं उसका निदान मैं तुरंत कर सकूं। बाद में क्लासेस में के बाद में कमेंट्स पढ़ पाता भी हूं या नहीं, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता है इतना, तो इसलिए लाइव चैट पर ज़रूर ध्यान दें। 9 बजे ठीक उपस्थित हो जाया करें और फिर लाइव चैट कीजिए, अपने डाउट्स रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको सारे आपके जो डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, तो जो चीज़ वहाँ पे हो सकती है कमेंट्स में हो सकती है, डाउट्स क्लियर हो सकते हैं वहाँ पे, मैं वहाँ पे करने की पूरी कोशिश करूँगा। नहीं होंगे तो फिर अगली क्लास में, अगली जो क्लास होगी वीडियो के माध्यम से जो आप तक पहुँचेगी, तो उसमें डाउट उसका ज़रूर मिलेगा, तो किसी ना किसी माध्यम से आपको उस आपका डाउट जरूर मिलेगा। तो यहाँ तक एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। कल हम बात करेंगे सेशंस की, जो संसद के सत्र हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।